तो हेलो भाई लोग, मैं हूँ गेम चेंजर। आप देख रहे हो गेम चेंजर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम फिर से कर रहे हैं सब्सक्राइबर चैलेंज। और सब्सक्राइबर चैलेंज में होता क्या है? सब्सक्राइबर चैलेंज में हम होते हैं और हमारे सामने होता है हमारा सब्सक्राइबर। वो हमारे साथ वन ऑन वन करता है एक कस्टम मैच, और वो जो भी मांगता है हम उसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हमसे डीजे आलोक मांगता है और वो हमें हरा देता है, तो हम इसी समय हारने के बाद उसे डीजे आलोक का गिव अवे कर देंगे। और अगर वो हमसे स्ट्रीट बॉय बंडल मांगता है, मतलब वो हमसे कुछ भी मांग सकता है, वो हमसे डायमंड भी मांग सकता है। और आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो? अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ खेलना और काफ़ी कुछ जीतना, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो? तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये वीडियो देखना है। ये वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसे कमेंट में लिखना है, और उसके बाद अपनी यूआईडी लिखनी है और बोलना है कि गेम चेंजर हम आपको इस चीज़ के लिए, यानी कि आपको जो भी चाहिए डीजे आलोक से लेके स्ट्रीट बॉय बंडल तक, और स्ट्रीट बॉय बंडल से लेके डायमंड तक, आप जो भी चाहते हो इमोट तक, आप जो भी चाहते हो बस लिख डालो। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपनी यूआईडी डाल कर लिख डालना है, तो हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में चांस नहीं मिल पाता है, तो हमारे जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, कि ये वीडियो अगर फिर से आए, ये ऐसा कोई चैलेंज फिर से आए, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो भाई चलो चैलेंज को कर देते हैं स्टार्ट। और हम खेल रहे हैं पल्लवी जी के साथ, और भाई वो भाई हमें बहुत सही डैमेज उन्होंने दे दिया है, और वो खेल रहे हैं डीजे आलोक के लिए, और भाई सब देखो हमें ठोक चुके हैं। तो भाई ये चैलेंज पल्लवी जी कर रही हैं डीजे आलोक के लिए। अगर वो हमें हरा देती हैं तो उन्हें मिलेगा डीजे आलोक, ठीक है। और अगर हम जीत जाते हैं तो उन्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर ही हैं यार, वो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो फुल टू मतलब कि कैंप करके खेलेंगे, और हमने कभी कैंप करके खेला नहीं है, तो अपने को थोड़ा डर भी लग रहा है, पर फिर भी देखते हैं क्या होगा। और भाई आगे चल के हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यार इस वीडियो को देखना पूरा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। तो चलो भाई यार थोड़ा गेम पे भी फोकस करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। तो भाई यार अपने को लगता है कि वो मतलब कि घर के पीछे ही छुपे हुए होंगे, शायद से वो घर के पीछे होंगे। तो भाई हम तो सामने आ चुके हैं और फुल रश भी कर रहे हैं, बट अपने को दिख नहीं रहा। देखो वीडियो थोड़ा हल्का फास्ट फॉरवर्ड है, कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो भाई अपने को कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई अपने को दिख नहीं रहा है। साइड से वो आगे के साइड देखो, और डैमेज भाई साहब देखो। तो यार हम जीत चुके हैं, फर्स्ट राउंड उन्होंने जीता, सेकंड राउंड हम जीत चुके। तो यार हम भी कच्चे नींबू नहीं, ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो। अपने को भी स्विस बैंक से पैसा आता है, स्विट्जरलैंड से, तो अपने को भी मतलब बहुत प्रो आप तुम लोग कहने का, ऐसा नूब नहीं कहने का। बट यार गेम थोड़ा ग्लिच कर रहा, जैसा कि तुम देख सकते हो, हम गोली पहले मारा था और भाई किल थोड़ा सा लेट से दिलाया, बट ठीक है यार, देखते हैं और अब आगे क्या होता है, और ये कितना कैंप होता है और कितना सही मैच होता है। वैसे वो ग्लूबल सही से नहीं लगा रहे हैं, बट फिर भी ठीक है और देखते हैं। तो भाई यार अभी तक हमें कोई भी सब्सक्राइबर नहीं हरा पाया है, तो अगर आप हमें हराना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर चैलेंज करना। और यार देखते हैं इस बार किधर से आते हैं। तो भाई मुझे तो लगता है कि यार ये इधर के साइड, सामने के साइड से आएंगे, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्या होता है इस मैच में, क्या हम जीतेंगे या हम हार जाएंगे। तो भाई यार हम तो हारने वाली पार्टी हैं नहीं, बस वही हार जाएं। लेकिन भाई साहब अगर हमें वो हरा देती तो वैसा कोई भारी बात नहीं होगा, हमें बस उन्हें डीजे आलोक गिफ्ट करना है, और यार कर देंगे डीजे आलोक गिफ्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अपना सब्सक्राइबर ही है और हमने कहा है देंगे तो पक्का देंगे। बस ज़रूरत इतनी है कि वो हमें हरा दें, और अगर आप भी हमें हरा दोगे और जो भी मांगोगे वो हम आपको दे देंगे। अगर आप डायमंड भी मांगते हो हमसे तो वो भी हम आपका टॉप अप करके आपको दे देंगे डायमंड भी। तो यार अब हमें लगता है कि वो पक्का ऊपर की साइड ही होंगे, क्योंकि हमें नीचे तो कोई दिख नहीं रहा, तो ये पक्का ऊपर की साइड है। और भाई साहब अपने को मतलब कि ऐसा गेम प्ले हमने कभी खेला नहीं, तो यार मज़ा नहीं आ रहा अपने को, मतलब कि कोई दिख नहीं रहा है। तो यार अगर वो दिखे तो यार हेडशॉट लेने का ट्राई करें, बट यार मैच काफ़ी मतलब कि अपने को डर भी लग रहा है, और काफ़ी मतलब सही टाइप से चल रहा है मैच, ठीक है। साइड के साइड में मैं ग्लूबल मार देता हूँ, ओ भाई साइड की साइड, तो भाई हमने साइड में ग्लूबल मार दिया, और पीछे की साइड तो कोई होगा नहीं, क्योंकि इधर जोन आ रहा है। और भाई अपने को डैमेज पड़ा, यानी कि ऊपर के साइड है, अपने को डैमेज पड़ा। तो क्या ये राउंड हम जीत पाएंगे या हार जाएंगे? भाई सब हेड हेड अपने को, भाई वो हेड मार रहे हैं यार, मतलब ऐसा अच्छा नहीं हो रहा, वो अपने को हेड मार रहा है। तो भाई अपना एक ग्लूबल फूटने वाला है, और हम मेडिकेट मार रहे हैं, अपने पास गोली अनलिमिटेड है क्योंकि अनलिमिटेड वॉल वाला है। तो भाई सब फिर अपने को डैमेज पड़ रहा, पक्का ये वाला मैच हम हार जाएंगे, क्योंकि हम नूब टाइप खेलते हैं, क्योंकि हम नूब हैं ही, अपना हेल्थ हल्का कम है।
तो यार देख लो ये ग्लूवल का यूज एकदम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रही हैं यार उतना भी नहीं, और भाई अपना भाई किल हो चुका है। तो भाई दो राउंड हम हार चुके हैं, क्या तीसरा राउंड हम जीतेंगे, क्या ऐसा होगा भाई, मैच हो गया है सीरियस लग रहा है। इस बार सब्सक्राइबर अपने को हरा ही डालेगा, और भाई यार इतना कैंपिंग होता है तो यार अच्छा भी नहीं लगता। वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ये मैच काफ़ी लंबा हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें उन्होंने कैंप किया था जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट फिर भी ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें जैसे खेलना आता हम वैसे ही खेलेंगे, आपको रस करना है तो आप करो, तो हम बोले ठीक है भाई यार चलो भाई सब्सक्राइबर हो तो खेल ही लेंगे। तो भाई चलो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या अपना डीजे आलोक और 500 डायमंड चल जाएगा पहली फुर्सत में, या फिर हम ही जीत जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, दो दो तीन तीन ग्लू बॉल मार के हम सामने चुपचाप खड़े हैं, बट कोई अपने को अभी तक दिखा नहीं है। वैसे आमतौर पे यहाँ पे सामने वाला बंदा आ जाता है और सामने हम चल जाते हैं रस करने, बट यार इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार पता नहीं हम क्या करेंगे। तो भाई अपने को समझ में नहीं आ रहा है अपन क्या करेंगे, तो भाई साइड से जाते हैं और वो हमें कहीं दिख नहीं रहा। तो भाई कहाँ हो सकता है वो बंदा कहाँ हो सकता है यार, अपने को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ हो सकता है भाई। सब तुम कमेंट कर सकते हो कि वो कहाँ है, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी सारी काम की चीज़ें आते रहती हैं गरीना फ्री फायर को ले करके, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और यार तुम हमें सपोर्ट ज़रूर करना अगर तुम्हें हमारा गेम प्ले अच्छा लगता है तो, क्योंकि यार दो मैच तो सिर्फ मजाक ही हो रहा था, इस बार देख लो अपना असली पावर, क्योंकि अपने पास भाई फ्लेमिंग फिश भी है, एक मुक्का मारेगा 500 का डैमेज पड़ेगा यार, वो खिला के चलते पड़ेगा। और देख लो अपने को दिख चुका है यार बंदा यहाँ पे है, ठीक है अपने ग्लू वॉल के पीछे एक दो, भाई एक दो नहीं हो पाया भाई, दूसरा शॉट नहीं पड़ा और एक गोली डैमेज 3 गोली, तो भाई टोटल 3 गोली लग ही गया, बट हमने इसे ले गया है। तो भाई इस बार भी हम जीत चुके हैं, और यही है अपना असली पावर यार, जिसको खेलना है खेल लेवे और जो मांगना है मांग लेवे। और भाई यार हमें सपोर्ट जरूर करना, हमारे को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सब्सक्राइबर चैलेंज है। तो यार देखते हैं इस बार क्या होता है, वो कहाँ रहते हैं, और भाई हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से निकलेंगे, मतलब क्या होगा। तो भाई यार वॉल के पीछे होंगे या घर में होंगे, मतलब अपने को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अब यार पीछे मतलब कि इतना पीछे हम आ चुके हैं, तो यार वो यहाँ पर भी नहीं, तो मतलब ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि एकदम ही पीछे का साइड है, बट शायद से हो सकता थोड़ा आगे हो। तो भाई कहाँ, ओ भाई यहाँ पे बैठा, ओ भाई हेड हेड हेड, ओ भाई मतलब देखा तुमने उसकी चोरी देखी भाई साहब, हमने उसकी चोरी पकड़ ली और भाई 3-2 हो गया है। तो भाई देखा कितना बैठ के कितने मज़ेदार ढंग से हमें मारने वाला था, और हम ही उसे ले गए हैं 2 हेडशॉट के साथ, भाई देख सकते हो हमारी पावर। तो भाई हम रोज़ च्यवनप्राश खाते हैं, अगर तुम भी खाओगे तो तुम्हें भी इतनी ताकत आ ही जाएगी, और 50 HP एक्स्ट्रा हमें मिलता है च्यवनप्राश खाने के कारण। मतलब अपना जो डीजे आलोक है वो 100 का HP नहीं, वो 50 मतलब 50 का HP नहीं, वो 100 का HP जनरेट करता है, क्योंकि रोज़ हम उसे च्यवनप्राश खिलाते हैं, ठंडे के मौसम में खिलाना चाहिए। और यार देखते हैं इस बार क्या हमें वो पीछे से मिलेंगे, मतलब उस बार भाई साहब पीछे में हमें बहुत मतलब मज़ा आ गया, यार देखते हैं इस बार क्या होता है। तो भाई हमें कुछ समझ, ओ भाई यहाँ पे बैठे हुए एक बार और हेड, ओ भाई हेड हेड, ओ भाई देखा तुमने क्या हुआ, मतलब थोड़ा गेम ग्लिच हो रहा है। तो भाई साहब हमें 2 बार बहुत सही वाले मज़े आ चुके हैं, तो यार तुम जैसा कि देख सकते हो अब इस बार देखना वो कहाँ होते हैं। तो भाई क्या वो फैक्ट्री के ऊपर चढ़ने का ट्राई करेंगे, क्या होगा इस वाले मैच में। तो भाई 2 बार तो हमें मज़े आ चुके हैं, और यार 2 बार इस मज़े के लिए तुम लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि सब्सक्राइबर चैलेंज है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना। देखो भाई लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा कुछ एस से कुछ, उसको क्लिक जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना। तो भाई फिर से हम पीछे की साइड जा रहे हैं, देखते हैं इस बार भी क्या वो चिमकांडी हमें मिलेगा, क्या हिस्सा होगा। तो भाई यार ऊपर जा करके देखते हैं, शायद से वो ऊपर चल गया हो हमें ऊपर से शॉट देने के लिए, बट अपने को लगता नहीं वो ऊपर होगा, बट फिर भी देखेंगे हम। तो भाई तुम देख सकते हो यार अपना मतलब कि HP काफ़ी सही बढ़ रहा है डीजे आलोक को च्यवनप्राश खिलाने के कारण, तुम भी खिलाओ तुम्हारा भी HP बढ़ेगा, हमारा तो बढ़ता ही है। और भाई अपने को स्विच बैंक से काफ़ी पैसा मिलता है, और उसी पैसे से हमने ये कपड़ा खरीदा है, अगर आपको भी ये कपड़ा चाहिए तो आपको भी हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा, हम भी स्विच बैंक से पैसा मंगाते हैं यार। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हम काफ़ी अमीर आदमी हैं, और यार यहाँ पर मतलब कि देख सकते हो यहाँ पर हमें बार बार कॉल भी आ रहा है, और भाई ये क्या हो रहा है भाई साहब बीच स्ट्रीम में कॉल नहीं करने का यार गंदी बात है। तो भाई यार यहाँ पे तुम देख सकते हो वो वहाँ पे है, और एक डैमेज और भाई और थोड़ा डैमेज, तो भाई वो सीनी के ऊपर चल गई, मतलब अपने से ज़्यादा तुमने फैक्ट्री में नहीं खेला होगा,
और देखो वो सीढ़ी के ऊपर एक डैमेज खत्म। तो भाई हम जानते थे यार हम जीतने वाले हैं, मतलब हम जानते थे, मतलब ऐसा नहीं, हम जानते थे कि हम ही जीतने वाले हैं क्योंकि हम प्रो हैं। क्या है हम प्रो हैं, हम पीरो हैं, पीरो 5-2 से हम जीत चुके हैं, मतलब कि बहुत सही मैच हो रहा है। और उन्होंने सोचा कि वो ऊपर चल जाएंगे तो बच जाएंगे, बट यार ऐसा नहीं हुआ। हम ही हैं मास्टर, हम ही हैं किंग इस गरीना फ्री फायर के, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। अज्जू भाई हैं, तो भाई यार अज्जू भाई को हम बहुत ज़्यादा महान मानते हैं। और यार एक और आदमी है जिसे हम मतलब कि थोड़ा सा महान नहीं मानते हैं, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो भाई इस बार सामने सामने से रेस्ट करने के लिए वो आ चुके हैं और भाई सब ग्लू वॉल लगा दिया है, तो अपने को बहुत मतलब कि सही लग रहा है। तो अब इस बार हमारे टाइप का मैच हो रहा है और भाई हम डैमेज नहीं दे पाए हैं और एक डॉट डैमेज भाई सब, इस बार ग्लू वॉल भी लग रहा है, मतलब काफ़ी सही गेम प्ले हो रहा है। तो इस बार ग्लू वॉल भी लगा और काफ़ी सही हो रहा है, तो भाई हम आगे जाके ट्राई करते हैं देखने का। और पक्का वो मेरे ग्लू वॉल के पास पहुंच गया होगा शायद से, तो भाई देखते हैं उसका मतलब कि डैमेज देने का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे इतना नूब के साथ यार इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2 गोली और अपने को मतलब रेंज थोड़ा दूर था इसलिए कुछ नहीं हुआ और काफ़ी डैमेज है, और 3 गोली में बात ख़त्म। तो भाई हम 0 डैमेज के जीत चुके हैं इस मैच को, मतलब उन्होंने हमें 0 डैमेज दिया और हमने उनका किल निकाल लिया, ठीक है। तो भाई यार 6th मैच भी हम जीत चुके हैं और 7th मैच भी हम ही जीतेंगे यार, तुम गेम चेंजर पे भरोसा रखो। और भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो, वीडियो को लाइक कर डालो, और अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है वीडियो का एक अच्छा सा मूवमेंट बताओ और अपना UID लिख डालो और जो भी चीज़ चाहिए वो भी लिख डालना कि भाई मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल DJ आलोक लिख दो कि गेम चेंजर मैं तुम्हें DJ आलोक के लिए चैलेंज करता हूँ अपने UID के साथ। भाई नाम मत लिखना, UID लिखना, ठीक है। लास्ट राउंड है तो इस बार तो हम जीतने ही वाले हैं यार, मतलब कि अपने को मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर अपने ऊपर फक्र है कि हम इस बार जीतने वाले हैं। और भाई अभी तक तो कोई भी सब्सक्राइबर हमें 5-5 तक भी नहीं ले जा पाया यार, मतलब कि अपने को नहीं हरा पाया सीधा सीधी बोला जाए तो। तो भाई इस बार वो कहाँ है, क्योंकि वो बहुत सर्वाइव करता है यार, तो अपने को पता नहीं है वो कहाँ है, तो भाई देख लेते हैं। तो यार बेसिकली आमतौर पर लोग यहाँ पर बैठे हुए रहते बट अपने को यहाँ पर नहीं दिख रहे, तो वो कहाँ पर होगा, वो चिमकांडी कहाँ पर होगा। हे भाइयों उस चिमकांडी को खोज के लाओ, 50 रुपये पैसा पाओ। तो यार यहाँ पर भी अपने को कोई नहीं दिख रहा है, भाई वो चिमकांडी गया कहाँ, मतलब वो अपने को मिल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं अपने को मिल रहा है। भाई अपना थोड़ा कमेंट्री भी फास्ट हो जाता है गेम प्ले देख करके, बट ओ भाई नीचे बैठा हुआ, ओ भाई मतलब देखा तुमने उसकी चोरी देखी भाई साहब, वो नीचे बैठा हुआ था, तो इसको ग्लूवल से पैक कर दिया जाए, ठीक है पैक कर दिया हमने। बट यार वो ऐसा ना बोले कि जोन से मर गए, इसलिए थोड़ा सा रास्ता हमने छोड़ दिया है उसके निकलने के लिए कि भाई अगर तुम्हें पैसा वैसा मिलता है तो वो निकल सके, ठीक है वो साइड से निकल सकता है, जैसा कि तुम देख सकते हो गेम प्ले हम जीत चुके हैं। तो भाई वीडियो को करते हैं एंड और आप भी जरूर पार्टिसिपेट करना।